हे दोस्तों, तो अभी का सीन ये है कि मेरे पीछे आप सभी को एक कार्ट नजर आ रही होगी, एक ठेली नजर आ रही होगी, जहाँ पर मिलता है झालमुरी, सेवपुरी और भेलपुरी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कार्ट है यहाँ के मैं आपको सीन दिखाता हूँ, उसके बाद हम अपना जो भेलपुरी है, सेवपुरी है और झालमुरी है उसे ट्राई करते हैं। तो ये देख सकते हो, ये है वो ठेली, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम है महावीर भेलपुरी। और सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गोविंदा जी की और करिश्मा जी की यहाँ पर फोटो लगी हुई है और यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर दिया गया। ठीक है, तो ये जो महावीर भेलपुरी है ना, यहाँ पर ये विवेक विहार में आता है और ये विवेक विहार की डी ब्लॉक की मार्केट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो भेलपुरी की ये जो ठेला है, ये जो कार्ट है, यहाँ पर सामने की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर अरवाचीन का आप सभी को सामने स्कूल नजर आएगा और इसके बगल में आप सभी को यहाँ का हनुमान मंदिर नजर आएगा जो कि विवेक विहार में। तो इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कार्ट है, यहाँ पर ये अंकल जी लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो भेलपुरी है वो आपको हाफ 30 रुपीज का और फुल आपको 50 रुपीज का मिलेगा। और ये जो सेवपुरी है ये भी 30 रुपीज का हाफ है और 50 रुपीज का फुल है। ठीक है, बाकी ये जो झालमुरी है ये आप सभी को 30 रुपए का मिलेगा। तो चलो यहाँ पर हम अंकल जी से एक बार बात कर लेते हैं। तो अंकल जी, ये कब से लगा रहे हो आप? मैं 2005 से लगा रहा हूँ। 2005 से? जी। क्या बात है, यहीं पे लगाते हो हमेशा? जी हाँ। और यहाँ की टाइमिंग क्या होगी? 6 से 10। 6 से 10 जी। तो चलो अपना जो हम भेलपुरी है, सेवपुरी है, झालमुरी है, इसे हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा यहाँ का टेस्ट है। तो चलिए अंकल जी, एक हाफ सेवपुरी बना दीजिए। ये पापड़ी हो गई। अच्छा, पापड़ी हो गई। तो ये आ गई पापड़ी भाई साहब, ये देखो इसमें 3 हो गया, 4 और 5 पापड़ी इसमें डल गए हैं। इसके बाद मीठी सौंठ। अच्छा, ये सौंठ है? मीठी सौंठ। मीठी सौंठ आ गई। मीठी सौंठ के बाद ये आलू लग गई, के बाद प्याज। अच्छा, प्याज। उसके बाद टमाटर। टमाटर आ गए थोड़े से। नमक ये हो गया। ये नमक आ गया। ये मसाला, ये मसाले आ गए। क्या चीज़ है? कानपुरी। अच्छा, कानपुरी, नमकीन। अच्छा, ये हरी चटनी आ गई। ये आ गई हरी चटनी। अब इसके बाद दोबारा से ऊपर से ये मीठी सौंठ आ गई और ऊपर से आ गया भाई लेमन, सेव, सेव आ गया, ऊपर से धनिया आ गया। हो गया रेडी? जी। तो ये देखो हमारा जो ये सेव पूरी है ये रेडी हो चुका है। तो सेव पूरी के बाद अब हमारा झालमुरी लग रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले मुरमुरे आ गए, प्याज। अब इसके बाद इसमें प्याज आ गया, धनिया पत्ती, धनिया के पत्ते आ गए, आलू, आलू भी आ गया, नमक, और ये है मसाला, चाट मसाला। ये चाट मसाला, ये कानपुरी, ये कानपुरी नमकीन आ गया भाई, ये आलू भुजिया चटपटी। हरी मिर्च डाल दे थोड़ा? हाँ डाल दो, मिर्च डाल दो। तो थोड़ा सा तीखा करने के लिए यहाँ पर इसमें मिर्च जा रहा है, बाकी आपको मिर्च अगर चाहिए हो या ना हो तो आप बता सकते हैं। ऊपर से आएगा इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, इसमें सरसों का तेल आ गया है। इसको मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर अब मिक्स हो रहा है। ठीक है, ये हमारी झालमुरी बन रही है। हो गया रेडी? रेडी। तो ये देखो भाई, हमारा जो झालमुरी है ये भी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा आइटम है भेलपुरी लग रहा है। तो सबसे पहले इसमें मुरमुरे आ गए, आलू, और सेम इसमें आलू जाएगा, प्याज, प्याज इसमें भी सेम ही जाएगा, टमाटर, टमाटर आ गए, धनिया पत्ती और धनिया के थोड़े से पत्ते आ गए। इसके बाद सेम इसमें नमक जाएगा, मसाला, ये चाट मसाला आ गया। इसके बाद ये कानपुरी इनकी जो नमकीन है, ये भीजी, और ये ऊपर से सेव आ गए। इसके बाद इसमें जो पापड़ी है क्रश करके इन्होंने डाला है। कितने पापड़ी डालते हो? 4, 5, 7। अच्छा, मतलब हिसाब से डाल लेते हैं। अब इसके बाद इस पे मीठी सौंठ आ गई, और ये देख सकते हैं जो सौंठ है इसमें काफ़ी ज़्यादा डाला है, और यहाँ पर ये हरी चटनी आ गई, और ऊपर से भाई साहब आ गया लेमन। तो ये हो चुका है रेडी। तो ये लग गया हमारा भेलपुरी, ऊपर से काफ़ी सारा सेव आ गया और प्याज आ गया इस पे और धनिया के पत्ते आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे तीनों आइटम आ चुका है। ठीक है, ये भेलपुरी है, ये सेवपुरी है और ये हमारा झालमुरी है। तो चलो सबसे पहले ये जो हमारा भेलपुरी है इसे मैं टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि टेस्ट इसका है कैसा। ठीक है, देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है और काफ़ी सारा आइटम भी डाला है। बहुत ही बढ़िया। तो ये जो भेलपुरी है इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, मीठी सॉल्ट का फ्लेवर आ रहा है, साथ ही में जो पापड़ी है और जो इसके ऊपर सेव डाला है, प्याज डाले हैं, धनिया डाले हैं, उसका काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। ठीक है,
बाकी इसको अपनी मर्जी से आप तीखा करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, अगर आपको तीखा पसंद है। मैंने थोड़ा सा तीखा करवा लिया है क्योंकि मुझे पसंद है। तो ये जो भेलपूरी है इसका टेस्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अब चलो ये जो हमारा सेब पूरी है ना, इसे भी मैं टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पापड़ी सी दी गई है, इसे आराम से उठाओ और एकदम मुँह में डाल लो, ये देखो। तो चलो मैं इसे टेस्ट करता हूँ। तो ये जो सेब पूरी है ना, ये भी काफ़ी टेस्टी है। इसमें जो आलू डाल रखे थे कच्चे, उसका भी फ्लेवर आ रहा है, और जो मीठी सॉल्ट डाली है ना उसका तो मतलब, ये जो हमारा भेल पूरी है इसमें भी टेस्ट आ रहा था, और ये जो सेब पूरी है इसमें भी टेस्ट काफ़ी बढ़िया आ रहा है। तो ये आइटम भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है, एक बार मैं और टेस्ट करता हूँ। तो ये आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो सेब पूरी है ना, ये भी काफ़ी टेस्टी है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलो ये जो अब हमारा झालमुरी है ना, इसे मैं टेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। ये देखने में काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है, और इसे मैंने थोड़ा सा तीखा भी करवा लिया था। तो चलो टेस्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लेवर है, मतलब सरसों का जो तेल है ना उसका मतलब फ्लेवर आ रहा है। आपकी मर्जी, अगर आप डलवाना चाहो डलवा सकते हैं, बाकी इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन जो झालमुरी है ना, ये भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है, चटपटा सा है ये, मतलब थोड़ा सा तीखा हो गया लेकिन चटपटा है, खाने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो ये जो तीनों आइटम है ना, तीनों ही आइटम काफ़ी टेस्टी हैं, चाहे मैं भेलपूरी की बात करूँ, सेबपूरी की बात करूँ, या फिर झालमुरी की बात करूँ, तीनों ही आइटम काफ़ी बढ़िया हैं। और तीनों को मैंने हाफ हाफ लिया था, तीनों के प्राइस सेम ही है, 30 रुपये में तीनों आपको मतलब पड़ जाएंगे। ये जो झालमुरी है इसका एक ही रेट है 30 रुपये, बाकी ये जो सेब पूरी है या फिर भेलपूरी है इसके आपको दो रेट पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल का जो प्राइस है 50 रुपीज़ है, और जो हाफ का प्राइस है वो 30 रुपीज़ है, ठीक है। तीनों ही आइटम मुझे काफ़ी पसंद आया है। यहाँ पर अगर आप आओ विवेक विहार में, अर्वाचीन स्कूल के पास आओ, या फिर जो हनुमान मंदिर है इसके पास आओ, ये डी ब्लॉक की मार्केट में ये अपना ये जो ठेला है वो लगाते हैं, और शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक लगाते हैं, ठीक है। तीनों ही आइटम ट्राई करने वाले हैं, अच्छे हैं, आप आगे ट्राई कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और इस जगह की जो गूगल मैप लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही में यहाँ का जो पूरा एड्रेस है वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, ठीक है।